सर हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी क्या है और ये वैदिक से क्या डिफरेंस है इसमें? सर एस्ट्रोलॉजी तो दोनों में ही कॉमन है, क्योंकि एस्ट्रो का मतलब ही है हम आकाश में ग्रहों का अध्ययन करके और उसके क्या प्रभाव इंसानों पे होते हैं उन्हीं का अध्ययन करते हैं। वही सूर्य मेरे लिए है, वही उनके लिए है, वही चंद्रमा मेरे लिए है, वही ग्रह उनके लिए हैं। बस ईस्टर्न और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एक मेजर डिफरेंस आया कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ने कुछ और नए ग्रह जो अभी कुछ समय में ही खोजे गए, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, उन्होंने उसको शामिल कर लिया। साथ ही साथ अभी एक नया डेवलपमेंट हुआ है चिरॉन का, तो चिरॉन प्लैनेट को भी उन्होंने शामिल किया। दूसरी बात यह है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी साइडेरियल जोडियाक की फॉलोअर है, जबकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है ये ट्रॉपिकल जोडियाक की फॉलोअर है। यूं तो जोडियाक तो एक ही है, लेकिन जो जोडियाक से प्लैनेट्स का या सेलेस्टियल बॉडीज का जो मेजरमेंट होता है, वो मेजरमेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसे हम वर्नल इक्विनोक्सियल पॉइंट कहते हैं या उसे बसंत संपातिक काल कहते हैं हिंदी में, वहां से सारे ग्रहों का मेजरमेंट और राशियों का मेजरमेंट किया जाता है। वो जो वीई पॉइंट है, वर्नल इक्विनोक्सियल पॉइंट है, वो वास्तव में सर स्थिर नहीं है। वो 50.3 पर सेकेंड से बैकवर्ड प्रसिशन उसमें हो रहा है। हमारे देश में 1954 में नेहरू जी के टाइम पर एक कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी बनी थी, और नेहरू जी का ये आग्रह था कि भाई पूरे देश में सब लोग एक पंचांग, एक मत पे आ जाओ। तो दिक्कत ये थी कि कोई व्यक्ति उस वर्नल इक्विनॉक्सियल पॉइंट के बैकवर्ड प्रसिशन को कोई उसे 285 AD से मानता था, कोई 265 AD से मानता था, कोई BC से मानता था। इस तरह से अलग अलग मत थे। यदि आप 50.3 सेकेंड पर ईयर से कैलकुलेशन करेंगे आज की डेट तक, तो जो कैलकुलेशन करके डिग्रीज आएंगी, यदि आपका जब जीरो था वर्नल इक्विनॉक्सियल पॉइंट और फिक्स स्टार, जब जीरो डिफरेंस था, यदि हम उसको अलग मानेंगे, तो हमारा आज का कैलकुलेशन जो होगा उसमें भी भिन्नता आ जाएगी, और जब भिन्नता आएगी तो उसमें आयनांश अलग अलग हो जाएंगे। सपोज बीवी रमन साहब ने दूसरा माना, एनसी लहरी साहब ने दूसरा माना, कृष्णमूर्ति साहब ने दूसरा माना, समझ रहे हैं? जी तो सबने अलग अलग बिंदु माने, जिस कारण से आयनांश की जो वैल्यू थी वो डिफर की, और डिफर करने के कारण, चूंकि साइडेरियल जोडिया फिक्स जोडिया कहलाता है, फिक्स यानी हम उसी बिंदु से ही ग्रहों का कैलकुलेशन करेंगे जहां जिस बिंदु से हमेशा जीरो डिफरेंस हुआ करता था। तो जो वर्नल इक्विनॉक्सियल पॉइंट में बैकवर्ड प्रोसेशन हुआ, उस बैकवर्ड प्रोसेशन को हम हमेशा घटा देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर 23 डिग्री आज ये आ गया है, तो यहां से जो सन की दूरी बन रही है, हम 23 डिग्री उसमें से घटा करके और तब फिर हम मेजरमेंट करेंगे। ये कहलाता है साइडेरियल जोड़िया। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, उन्होंने कहा मुझे इस झंझट में पड़ना ही नहीं कि 285 AD से आपका वर्नल इक्विनॉक्सियल पॉइंट और फिक्स स्टार में डिफरेंस जीरो था, या 265 में जीरो था, या BC में जीरो था, इससे बिल्कुल मतलब नहीं। हमें जहां पर वर्नल इक्विनॉक्सियल पॉइंट आज की डेट में, ऑल्दो इट इज इमेजिनरी पॉइंट, लेकिन जहां पर भी हमें दिखेगा, मैं प्लेनेटरी कॉन्फिगरेशन कैलकुलेशन सब वहीं से स्टार्ट कर दूंगा। तो जिसमें आयनांश, इसे कहते हैं आयनांश, आयन अंश यानी डिग्री में जो चलन हो रहा है उस फिक्स पॉइंट का, क्योंकि अस्तित्व में सर कुछ भी फिक्स नहीं। हमारा जो ये सूरज है, जिसको केंद्र मान करके हम ग्रहों की गणना करते हैं, वो भी किसी दूसरे सूर्य की के चक्कर लगा रहा है, परिक्रमा कर रहा है। जो दूसरा सूर्य है वो भी किसी दूसरे तीसरे सूर्य के चक्कर लगा रहा है। आप जान करके आश्चर्य करेंगे, मैं चाहूंगा कि इसमें अष्टांग वाला भी शब्द को जोड़ दूं, कि
कि आप जान के आश्चर्य करेंगे कि पृथ्वी में दो तरह की दूरी है, हम गतियां हैं, एक तो रोटेशन है, दूसरा रेवोल्यूशन है। जब ये दोनों गतियां सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने से होती हैं, आप सोच लें जब ये सूर्य किसी दूसरे सूर्य के चक्कर लगाएगा तो इन दोनों गतियों में फर्क आ जाएगा और दो और नई गतियां तैयार हो जाएंगी, तो टोटल चार हो जाएंगी। और वो सूर्य हमारे सभी धर्मों में, दुनिया के सभी धर्मों में थ्री फोल्ड स्कीम है, ब्रह्मा विष्णु महेश, होली गोस्ट, गॉड मैसेंजर, सब आप दुनिया भर के धर्मों में देखें तो ट्राइनिटी का उपयोग किया गया है। तो जब इस तीसरे सूर्य के चक्कर लगा रहा है तो ये चारों गतियों में चार प्रकार के परिवर्तन आ गए और टोटल हो गया आठ। यहां से चाहे पतंजलि का अष्टांगिक योग हो, बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग हो, या अपने यहां दुर्गा जी का जो कॉन्सेप्ट बनाया गया अष्टभुजी दुर्गा हो, ये सब जन्म यहीं से ले रहा है, यहीं से आठ शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। पश्चिमी ने कहा कि मैं इस द्वंद में पड़ूंगा ही नहीं कि वर्नल इक्विनोक्शियल पॉइंट और जो एक्चुअल फिक्स स्टार था ये कब जीरो था, उन्होंने इस वर्नल इक्विनोक्शियल पॉइंट को बिगनिंग पॉइंट मान लिया। आज के समय में औसतन जो आयनांश आ रहा है वो लगभग 23 और 24 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। उनका सन का जो बिगनिंग पॉइंट होता है वो 21 मार्च होता है, हमारे यहाँ वो 15 अप्रैल को लगभग होता है, 14-15 अप्रैल को। तो जो साइडेरियल जोडियाक का जोडियाक स्टार्टिंग पॉइंट है वो 15 अप्रैल से, आप देखते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में कि किसी किसी न्यूज़पेपर में आप देखोगे सनसाइन के अकॉर्डिंग कि 21 मार्च से 20 जून के बीच, 21 मार्च से और 20 फरवरी के बीच में सन एरीज में रहता है, फिर 21 फरवरी से लेकर के और 20 मार्च तक टॉरस में रहता है। ये वेस्टर्न ट्रॉपिकल जोडियाक का कैलकुलेशन है, हमारा जो ईस्टर्न कैलकुलेशन है वो 15 अप्रैल से। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे 21 मार्च से लेकर के वो 15 अप्रैल के बीच में तो वो लगभग 23-24 दिनों का डिफरेंस आ जाता है। तो यही 23-24 दिन 23-24 डिग्री को इंगित करते हैं और सूर्य लगभग एक डिग्री मूव कर जाता है, इसीलिए लगभग हमारे और उनके जोडियाक में 23 डिग्री का प्लस माइनस हो जाता है। वो हमसे 23-24 डिग्री प्लस रहते हैं, मैं 23-24 डिग्री माइनस हो जाता हूँ। ये एक मेजर डिफरेंस हुआ ट्रॉपिकल और साइडेरियल जोडियाक का ड्यू टू टेक्निकल टर्म आयनांश।